जिठानी से ना होगा। सिया और जानकी दोनों देवरानी जिठानी थी। यूं तो दोनों के नाम का मतलब बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। जहां देवरानी सिया आज के जमाने की पढ़ी लिखी और हाजिर जवाब लड़की थी, वहीं जानकी थोड़ी सी डरी सहमी और परंपराओं को निभाने वाली थी। जानकी की इसी अच्छाई का सास कमला भरपूर फायदा उठाती थी और पूरे घर पर एक छत्र राज कर रही थी। घर के साथ साथ बहू जानकी की पूरी जिंदगी का कंट्रोल भी उसने अपने हाथ में ले रखा था। बड़ी बहू, मुन्ने के टिफिन के लिए आज आलू की सूखी सब्जी और पराठे बना देना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मम्मी, मुझे आलू की सब्जी से पराठे नहीं खाने। मैंने आपको रात को ही कहा था मुझे टिफिन में सैंडविच ले जाना है। बेटा, दादी जो कह रही है ना, चुपचाप वही ले जाओ। क्यों सुबह सुबह तमाशा करवाना चाहते हो? मम्मी, मुझे एक दिन भी अपने पसंद का लंच नहीं मिल सकता। मुझे हमेशा दादी की पसंद का खाना ही क्यों ले जाना पड़ता है? मुन्ना की बातों का जानकी के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार भी मेरे मैथ्स टेस्ट में नंबर कम आए। टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। आज आप दोपहर में उनसे मिलने के लिए स्कूल जरूर आ जाना। ठीक है बेटा, मैं टीचर से मिल लूंगी, तुम स्कूल जाओ। दोपहर में जानकी स्कूल जाकर टीचर से मिलकर आती है। मुन्ना पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, मुझे लगता है अब उसका ट्यूशन लगा ही देना चाहिए। अगर शुरू से ही उसका बेस कमजोर हो गया तो आगे चलकर उसे पढ़ाई में बहुत दिक्कत आएगी। अरे चुप कर तू, तीसरी क्लास में पढ़ता है अभी तेरा मुन्ना। अभी से उसे कोचिंग की लत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको बोल स्कूल में जो मैडम पढ़ाती है ना, उसे मन लगा कर पढ़ा करे। मैंने तो अपने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं भेजा, तो क्या हमारे बच्चे पढ़े नहीं? बात लगने वाली नहीं है माँ जी, उसका गणित कमजोर है और उसे गणित में मदद की जरूरत है। ऐसा उसके टीचर का भी कहना है, गणित के कारण मेरा बच्चा क्लास में पिछड़ता जा रहा है माँ जी। बड़ी बहू, जो मैंने कह दिया तो मतलब कह दिया। अपना दिमाग घर संभालने में लगाओ। ये बात बात पर मुन्ना मुन्ना करके ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम दुनिया की पहली माँ नहीं हो जो इतनी हाय तौबा मचा रही हो। आने दो मुन्ने को स्कूल से, कम नंबर लाया है ना। आज उसके कान उमेठूंगी तो देखना अगली बार खुद मेहनत करना सीख जाएगा। सास कमला अपने आगे जानकी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर बाद, माँ जी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर के लिए उनसे मिलकर आऊँ। अरे नजदीक में ससुराल होने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को छींक भी आ जाए तो खुद आकर मायके पहुँच जाओ। तो क्या डॉक्टर नहीं है जो वहाँ जाकर उन्हें ठीक कर देगी? अपने पापा को बोल तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर डॉक्टर को दिखाए। क्या बात बात पर बेटे को फोन मिला देते हैं। ठीक है माँ जी। क्या ठीक है माँ जी? अरे आपके पापा की तबीयत खराब है, आपको माँ जी से परमिशन लेने की जरूरत ही क्या है? वो होती कौन है आपको अपने पापा से मिलने से रोकने वाली? अरे भाभी, कब तक ऐसी गूंगी गुड़िया बनकर अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाओगी? कभी तो गलत को गलत कहा करो आप। सुबह मुन्ना टिफिन में क्या ले जाएगा, मुन्ना ट्यूशन जाएगा या नहीं जाएगा, कौन कब कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, सब कुछ माँ जी ही तो तय करती है। और सबसे बड़ी बात, वो आप पर इतनी हावी इसलिए होती है क्योंकि आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने देती हैं। आपको शुरू से ही गलत बातों का विरोध करना चाहिए था। पता नहीं भाभी किस मिट्टी की बनी हो आप। देखो सिया, मेरे संस्कार मुझे माँ जी की बातों को काटने की इजाज़त नहीं देते। अरे वो हमारे घर की बड़ी हैं, ऐसे कैसे मैं उनकी बात को गलत साबित करके अपनी चला सकती हूँ? अरे भाभी, बड़े और छोटे जैसी कोई बात ही नहीं होती। अगर कोई बड़ा गलत बात करे तो उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माँ जी बड़ी हैं तो उन्हें बड़ों जैसा व्यवहार भी तो करना चाहिए ना, ताकि सभी लोग उनकी इज्जत कर सकें। वो तो घर पर तानाशाही चला रही हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं उनके सामने जाती हूँ तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो जाती है। अब चिंता मत करो भाभी, सासू माँ को सही लाइन पर लाने के लिए अगर मुझे आपको ट्रेनिंग देनी पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। तो आपकी ट्रेनिंग का सबसे पहला चैप्टर ये है कि माँ जी आज के बाद आपसे जो भी काम करने के लिए कहें आपको उसके उल्टे ही जवाब देने। जैसे माँ जी कहेंगी कि मुन्ना के लिए पराठा बना दो तो आप कहोगी मुन्ने के लिए पराठा नहीं नूडल्स बनेंगे। समझ गई आप? अरे पर हाँ समझ गई। सिया जानकी को टिप्स दे रही थी तभी उसे सास की कड़कती आवाज सुनाई देती है। जानकी बहू। जी जी माँ जी। सुनो, कल सुबह 4 बजे उठकर 8 लोगों का खाना तैयार कर देना। मैं अपनी सहेलियों के साथ गंगा नहाने जा रही हूँ,
सबका खाना यहीं से तैयार होकर जाएगा, समझ गई? 8 लोगों का खाना माजी, वो भी सुबह 4 बजे। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो माजी, मैं सोच रही थी 3 बजे ही उठ जाऊंगी, 8-10 लोगों का खाना बनाने में काफी समय भी तो लगेगा ना। वो तो देख ले, मेरी सहेली कह रही थी खाना बाहर खा लेंगे, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। अरे पूरा दिन घर में बैठी मक्खी आई तो मारती रहती, 8-10 लोगों का खाना बना दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भाभी, जब माजी आपको कह रही थी कि आप घर में बैठकर मक्खियां मारती हो, तो आपको बोलना चाहिए था ना कि पूरा दिन गधा मजदूरी करती हो आप, और उसके बदले में यही इनाम मिल रहा है आपको कि माजी अपनी सहेलियों के सामने हम लोगों की बदनामी करती है। मैंने आपको सिखा कर भेजा था कि आपको माजी को सब कामों के लिए हाँ नहीं बोलना, और आप वहाँ जाकर फिर से हाँ कहकर आ गई। 4 की जगह सुबह 3 बजे उठ जाओगी। हद है भाई। मैंने बताया तो था माजी के सामने मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे जिठानी जी, आपसे ना हो पाएगा, आप तो रहने ही दो, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। ठीक है, अगर मैं आपको कागज पर लिख कर दे दूं और आप उसे अच्छी तरह याद कर लो तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो ऐसा करो माँ जी, जिन बातों के लिए रोज़ मुझे परेशान करती है ना, उन सारी बातों के जवाब लिखकर पर्ची पर मुझे दे दो, मैं अच्छे से याद कर लेती हूँ। सिया अपनी जिठानी को पर्ची में जवाब लिखकर दे देती है। अगले दिन, मैंने कहा था ना मुझे सुबह जल्दी ही गंगा स्नान के लिए निकलना होगा। कान पर जो रहेंगी थी तुम्हारे है? लाओ टिफिन पैक हो गया तो टिफिन पकड़ा दो। हाँ माँ जी, ये लीजिए। टिफिन वाला बैग तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्या बात है? तो खुद 5 बजे उठी थी और ये आधे घंटे में सब बन भी गया? 8 लोगों का खाना तूने बड़ी जल्दी बनाकर पैक कर दिया। 8 लोगों का नहीं है मम्मी जी, सिर्फ 2 लोगों का खाना है, आपका और पापा जी का। क्या, तो मेरी सहेलियां क्या वहां भूखी बैठी रहेंगी? जानकी सास की बात का जवाब देने के लिए पर्ची ढूंढने लगती है, लेकिन वो गलती से दूसरी पर्ची खोलकर पढ़ने लगती है। ये आप ठीक नहीं कर रही है मामी जी, कोई भी कानून एक बेटी को बाप से मिलने के लिए नहीं रोक सकता। मैं आपको कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ बदसलूक करेंगी और हमेशा अपनी मनमानी चलाती रहेंगी। आज तो मैं अपने पापा से मिलकर ही रहूंगी। अरे बहू, आज तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, मैं क्या बात कर रही हूँ, तू क्या बोले जा रही है? अरे बुखार दिमाग में चढ़ गया है क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो मेरा ध्यान कहीं और था बस इसलिए। इतना कहकर जानकी वहां से भाग खड़ी होती है। जिठानी जी, अब तो मुझे समझ में आ ही गया है कि आपसे ये सब ना हो पाएगा। चुपचाप जो जैसा चल रहा है ना, वैसा चलने देते, और ऐसे कौन करता है? मैंने आपको पर्चियों पर जवाब तक लिख कर दे दिए, और आपने क्या किया, किसी और सवाल का जवाब पढ़कर सुना दिया। खैर छोड़िए, अब मुझे इस बारे में कोई बातें नहीं करनी, आपकी तो आदत हो गई है ऐसे ही माँ जी की गलत बातें मानकर खुशी खुशी यहाँ रहने की, लेकिन बुरा मुझे मुन्ने के लिए लग रहा है। अभी 3 दिन पहले मिसेस कोहली मिली थी। कैसे मैनेज कर रही हो ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों से आपका क्या मतलब है? अरे ज़्यादा दिन अपनी जेठानी के साथ मत रहना, सास से बात करके अपना चूल्हा अलग करवा लो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो अभी तो तुम्हारी नई शादी हुई है, कल को बच्चे भी होंगे, और जब संगत बुरी होती है ना तो बच्चों पर प्रभाव भी बड़ा बुरा ही पड़ता है। अब कहना क्या चाहती है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। अरे भाई, तुम्हारी जिठानी का बेटा कितना बिगड़ा हुआ है, ये बात कॉलोनी में सभी लोग जानते हैं। अब एक बिगड़े हुए बच्चे के साथ तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो वो कोई अच्छे संस्कार तो सीखेगा नहीं, वो भी गलत बातें ही सीखेगा ना। किसने कह दिया आपसे कि मेरा जिठानी का बेटा मुन्ना बहुत बिगड़ा हुआ है? अरे तुम्हारे घर की बात है तो समझ लो, तुम्हारे घर के ही किसी आदमी ने बताया होगा, हमें कोई सपने तो आए नहीं, तुम्हारी सासू माँ ने बताया। सिर्फ मैं नहीं, पूरी कॉलोनी इस बात को जानती है, तभी मुन्ने के साथ हम लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं देते। क्या कहा तुमने? माँ जी ने मेरे मुन्ने के बारे में ऐसा अनाप शनाप कहा है? अरे मेरा भोला सा बच्चा कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक तो नहीं करता, उसे सारी दुनिया में बिगड़ा हुआ बच्चा कहकर बदनाम कर रखा है। आज मैं माँ जी को छोड़ूंगी नहीं, आज उन्हें मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। इतना कहकर जानकी गुस्से में सास कमला के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मेरा मुन्ना बिगड़ा हुआ है ना, तो आज आप बताइए आखिर क्या खराबी है मेरे मुन्ने में, जिसकी वजह से आपने सारी दुनिया में उसे बिगड़ा हुआ बच्चा कहकर बदनाम कर दिया है।
अब मुझे समझ में आया कि कॉलोनी के बच्चे मेरे मुन्ने के साथ खेलना क्यों नहीं चाहते। मिसेस कोहली, मिसेस वर्मा मुझे देखकर मुंह क्यों चढ़ा लेती हैं? अरे माँ से भी बढ़कर सम्मान किया मैंने आपका, और बदले में आपने मेरे साथ क्या किया? सारी दुनिया में झूठी बदनामी। जैसा आपने अपने बहू और पोते के साथ किया है ना माँ जी, ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अरे कॉलोनी में किसी के साथ उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा आपने मुझे। आज के बाद अगर आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बकाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कर लिया मैंने आपका सम्मान। आज के बाद मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले आप चार बार सोच लीजिएगा। मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर सही और गलत के बीच में अंतर करने की समझ नहीं है। आपकी चालाकियां खूब समझती हूँ मैं। सास को जबरदस्त झाड़ लगाने के बाद गुस्से में बड़बड़ाते हुए जानकी वापस सिया के कमरे में आती है। अरे भाभी कमाल हो गया, आज तो मुझे आपको कुछ ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपने जाकर माँ जी की अकल ठिकाने भी लगा दी। अब वो इस जन्म में तो आपसे पंगा लेने से रही। मुझे तो लगता था जिठानी जी आपसे ना हो पाएगा, लेकिन इस बार तो आपने कर ही दिखाया।